गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो वी आर डूइंग अर एक्सरसाइज 9.1 इन विच वी हैव डन इट्स फर्स्ट फोर क्वेश्चंस. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फिफ्थ वन. हियर फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग. आपने इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. फर्स्ट कंडीशन आपको क्या गिवन है स्टूडेंट्स, 22% ऑफ रुपीज 50 मीन्स 50 रुपीज का 22% कितना होगा वो आपने फाइंड आउट करना है. तो जब स्टूडेंट्स हम परसेंट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो आपने यहाँ से परसेंट का साइन हटाना पड़ेगा. तो जब आप परसेंट का साइन हटाओगे स्टूडेंट्स तो हम इस 22 को डिवाइड करेंगे 100 से. 22% का मीनिंग क्या है, 22 आउट ऑफ 100. अब किसकी निकालनी है परसेंट, 50 रुपीज की, तो इसको आप 50 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई. देन अब इसको आप क्रॉस करो, 51 50 एंड 52 100, आपके पास बच गए 22/2. इसको सॉल्व करने से क्या आएगा, 11 रुपीज. दैट मीन्स 50 रुपीज का 22% कितना होगा, 11 रुपीज. ऐसे स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट टू पार्ट सॉल्व करने हैं. नेक्स्ट हम करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन. इसमें आपको गिवन है कि इफ 8% ऑफ अ नंबर इज 24 देन फाइंड द नंबर. आपको नंबर नहीं बताया हुआ, सिर्फ ये दे रखा है कि कोई एक नंबर है जिसका 8% है 24, देन वो नंबर फाइंड आउट करो. तो उसके लिए आप फर्स्ट ऑफ ऑल उस नंबर को लेट कर लोगे एक्स, कि वो नंबर क्या है, एक्स. अब आपको जो ये कंडीशन दी हुई है इसको फुलफिल करो. इस एक्स का 8% गिवन है आपको, सो 8% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 24. अब आपने जैसे फिफ्थ क्वेश्चन में किया था वैसे इसको सॉल्व कर लो. 8% का मीनिंग क्या है, 8 आउट ऑफ 100. किसका निकालना है आपने, x का, तो इसको आप x से मल्टीप्लाई कर दो. अब आपको 8% गिवन है ऑलरेडी, तो उसको इक्वल में पुट कर लो 24. अब हम इसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, 8/100 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है तो राइट हैंड साइड में जाके ये रिवर्स हो जाएगा. डिवीजन करते वक्त 100 ऊपर चला जाएगा, 8 नीचे आ जाएगा. देन हम इसे और क्रॉस करेंगे, 8 1 8, 8 3 24, आपके पास बच गया 3 × 100. दैट मीन्स x की वैल्यू क्या आ गई, 300. वो नंबर आपका 300 था जिसका 8% 24 है. इज दैट क्लियर. नेक्स्ट है स्टूडेंट्स कि आपको परसेंट फाइंड आउट करना है. व्हाट परसेंट ऑफ रुपीज 8 इज रुपीज 4 मीन्स 8 रुपीज का 4 रुपीज कितना परसेंट है. 4 रुपीज का पता करना है आपने कि इसका कितना परसेंट है, तो 4 रुपीज को आप लिखोगे ऊपर. टोटल नंबर कितने थे, 8 रुपीज, तो 4 आउट ऑफ 8 परसेंट फाइंड आउट करनी है, तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे. देन 4 1 4, 4 2 8, आपके पास बच गया 100/2. सो स्टूडेंट्स जब हम 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ गया 50. दैट मीन्स 4 रुपीज जो है वो 8 रुपीज का 50% है. ऐसे स्टूडेंट्स नेक्स्ट में आप फाइंड आउट कर लोगे, व्हाट परसेंट ऑफ 50 केजी इज 65 केजी. 50 केजी का 65 केजी कितना परसेंट है. देन 65 का फाइंड आउट करना है तो आप 65 को ऊपर लिखोगे और जो आपको पहले से गिवन वैल्यू थी उसको आप नीचे लिखोगे 50. परसेंट फाइंड आउट कर रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो. देन 51 50, 52 100, 65 × 2 कितना आ जाएगा, 130%. इस तरीके से स्टूडेंट्स आप थर्ड वैल्यू फाइंड आउट करोगे. नेक्स्ट है एट्थ क्वेश्चन, जिसमें आपने 75 को इसका 24% इंक्रीज करना है. पहले तो आप 75 का 24% फाइंड आउट करोगे कि 75 का 24% कितना बनता है. तो 24% ऑफ 75, इसको आप सॉल्व करो. 24% का मीनिंग क्या है, 24 आउट ऑफ 100, और 75 का निकाल रहे हो तो 75 से मल्टीप्लाई कर दो. देन 4 के टेबल में दोनों क्रॉस हो रहे हैं क्योंकि 6 4 24 एंड 25 4 100, तो आपके पास आ गया 6/25. देन 25 से ये भी क्रॉस हो रहा है, 25 1 25 एंड 25 3 75. देन 6 × 3 कितना बच गया स्टूडेंट्स, आपके पास 18. दैट मीन्स 75 का 24% क्या है, 18 है. अब आप इसमें 18 इंक्रीज कर दो. आपको 75 को 24% इंक्रीज करने के लिए बोला हुआ था ना, पहले आपने 24% की वैल्यू निकाल ली फिर उसमें ऐड कर दो, देन वो इंक्रीज हो जाएगा. इज दैट क्लियर. सो स्टूडेंट्स उसी के बेसिस पे आपको नेक्स्ट सम दिया है, व्हाट नंबर व्हेन इंक्रीज्ड बाय 15% बिकम्स 276
मीन्स कौन सा नंबर है, अगर हम उसको 15% इंक्रीज कर देते हैं तो वो 276 बन जाएगा। तो ये एक तरह की आपको कंडीशन दी हुई है, ये आपको बनानी पड़ेगी। पहले आप नंबर को लेट कर लो x, अब इस x के अंदर इसी का 15% ऐड करोगे तब उसके इक्वल में ये वैल्यू पुट करनी है, x प्लस x का 15%। 15% का मीनिंग क्या है, 15 out of 100, और किसका, x का। सो 15 out of 100 इंटू एक्स, ये आपने ऐड करना था किसमें, x के अंदर ही। देन आपके पास वैल्यू आएगी 276, तो उसको इक्वल में पुट कर लो। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट्स, 15 इंटू एक्स, 15x आ गया। अब आप इन दोनों का एलसीएम लोगे, क्योंकि ऐड करना है आपने, ऐड करने के लिए एलसीएम लोगे, यहाँ पे 1 है तो 1 और 100 का एलसीएम 100 आ गया। अब आप इसको आगे ऐड करके सॉल्व कर लो, 100 प्लस 15 115x। अब ये नीचे डिवाइड में था तो राइट हैंड साइड में जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। देन आपके पास टर्म आ गई ये, इसको आप 115 से डिवाइड करोगे तो आपका एक्स आता है 240। मींस वो नंबर 240 था जिसके अंदर उसका 15% इंक्रीज करने पे 276 बन जाता है। इज दैट क्लियर। अगर स्टूडेंट्स आपको डिक्रीज करने के लिए बोला जाए तो पहले आप उस नंबर को, जैसे इसमें बोला जाता है कि इसको डिक्रीज करो 15%, तो पहले उस नंबर का 15% फाइंड आउट कर लो, फिर उसमें से उसको माइनस कर दो। जैसे कि सम में बोला हुआ है डिक्रीज 375 by 8%, तो पहले 375 का 8% आप फाइंड आउट करोगे, 30 आ गया, तो अब इसमें से इसको माइनस कर दो तो ये डिक्रीज हो जाएगा। ऐसे जो लास्ट सम है आपका, वो इसके बेसिस पे ये बिल्कुल सेम यही मेथड है। इसमें इंक्रीज था तो यहाँ पे आपने प्लस कर दिया था, उसमें डिक्रीज है तो यहाँ पे आप माइनस रख लोगे। सो कंप्लीट योर एक्सरसाइज 9.1।